इसके बाद महाराष्ट्र के पहले माइनॉरिटी के मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे एक से मिनिस्टर अनिस अहमद साहब, जिन्होंने उस वक्त अभी जो माइनॉरिटी की स्कीम है वो स्कीम उन्होंने जब डिज़ाइन की थी वो सब की स्कीम। और ख़ास करके मैं इसलिए हाथ माइक हाथ में लिया हूँ कि आंध्र प्रदेश का जब जीआर निकला रिजर्वेशन का, उस वक्त हम अनिस अहमद साहब के साथ और हुसैन दलवाई साहब के साथ मिले। मिलने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट के खर्चे से मुझे आंध्र प्रदेश भेजा और आंध्र प्रदेश में मैंने 2000 पेजेस सब निकाल के लेकर आए। उसका एक सबूत यहाँ पर है, आंध्र का जो गैजेट निकला है 4% का फिर 5% का, उसका कृष्णा कमीशन की पूरे 2000 पेजेस मैंने लाया। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन। मौलाना आज़ाद विचार मंच के सर्वा सर्वा आयोजक खासदार हुसैन दलवाई साहब, आज के मीटिंग के सदर आली जनाब इनामदार साहब, यहाँ पर इकबाल भाई, हरीश भाई, नदाफ साहब, नदीम भाई, सभी यहाँ मौजूद मौलाना आज़ाद विचार मंच के सभी जिला अध्यक्ष भाइयों और बहनों, जैसे कि नदाफ साहब ने बताया कि मैं महाराष्ट्र का पहला माइनॉरिटी मिनिस्टर था 2008 में दिसंबर में 26/11 के हमले के बाद में, जब अशोक चौहान आए तो मुझे महाराष्ट्र का पहला मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया गया। और जितनी भी योजनाएं, जितने भी आज 25,000 रुपये हर बच्चे को मिल रहा है, इसका पहला प्रोग्राम भी हमने पूना में आज़म कैंपस में लिया था चेक बांटने का, और हर साल 300 से 400 करोड़ रुपए मुसलमानों को उनके इकोनॉमिकल हालात को देखकर, जिनको 2.5 लाख से नीचे मिलते हैं, हर बच्चे को प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 25,000 रुपये हर साल, जलगांव हो कोई भी शहर हो, हर जगह बच्चों को मिलते हैं, लेकिन उन्होंने अप्लाई करना चाहिए। हर उर्दू स्कूल को हमने 2 लाख रुपए देने का काम शुरू किया था, स्कूल के बच्चों को स्टाइपेंड देने का चालू किया था। मुस्लिम बच्चे स्कूल जाते नहीं, मेन स्ट्रीम में आते नहीं, इसलिए उनको कपड़े देने का काम किया, स्कूल बैग देने का काम किया, किताबें देने का काम किया, बहुत सारे हमने योजनाएँ शुरू की। उस ज़माने में हुसैन दलवाई साहब भी मंत्री थे, मैं भी मंत्री था, कैबिनेट मंत्री थे हम दोनों, और हम लोग कैबिनेट के अंदर में मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में कांग्रेस के ज़माने में बराबर हम लोगों ने बोलने का काम किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि कम से कम मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाया गया बिलासराव के मिनिस्ट्री में हुसैन दलवाई साहब और मेरी वजह से। मौलाना आज़ाद विचार मंच हुसैन दलवाई साहब ने बनाया, और बहुत सारे काम हमने नागपुर से हज की फ्लाइट चालू की, हर जगह हज हाउस हम लोगों ने बनाए, बहुत सारी योजनाएँ बनाए। हमारे गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा उर्दू स्कूल देने का काम हुसैन दलवाई साहब ने और मैंने बिलासराव के पीछे रहकर हम लोगों ने किया। बम्बई जैसी जगह पे आर्य कॉलोनी में डेयरी मिनिस्टर होते हुए 1,500 करोड़ रुपए की ज़मीन कब्रस्तान के लिए दिया, हाईवे पे एयरपोर्ट के बिल्कुल बाजू में। और ऐसे पूरे शहर में पहली बार महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए हर कब्रस्तान के लिए 20 लाख रुपये और छोटे कब्रस्तान के लिए 10 लाख रुपये महाराष्ट्र के बजट में हमने पहली बार ये प्रोविज़न किया। और हम लोगों ने हमेशा हुसैन दलवाई साहब कैबिनेट के अंदर में, और हम दोनों ही कैबिनेट मंत्री थे, जो बराबर आप लोगों की आवाज़ वहाँ पर रखने का काम करते हैं। आज भी हुसैन दलवाई साहब ने और इनामदार साहब ने मौलाना आज़ाद विचार मंच के माध्यम से आज यहाँ आप लोगों के विचार सुनने के लिए पूरे ज़िले से, हर ज़िले से, पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से आपके विचारों के लिए बुलाए। मैं इनामदार साहब का खास करके शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जब हम लोग मंत्री थे उस ज़माने में भी हम उनको लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट मानकर, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो आला दर्जे के IAS ऑफिसर्स थे, जो भी ऑर्डिनेंस निकलता था, जो भी GR निकलते थे, उस ऑफिसर को पहले इनामदार साहब के पास हम बैठाते थे। इनामदार साहब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के जो ऑर्डर्स आए हुए उनको सामने रखकर उस तरीके के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, और क्योंकि गवर्नमेंट में ऑर्डर निकालना इतना आसान नहीं, उनके भी जो ख्याल है वही नागपुर के ख्याल है। मैं तो नागपुर से हूँ जो RSS का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत मेरा वोटर है, नितिन गडकरी मेरा वोटर है, देवेंद्र फडणवीस मेरा वोटर है। मैं एक इलेक्शन 6 वोट से हारा हूँ MLA का, पिछला इलेक्शन 1900 वोट से हारा हूँ, और हम हारते ही हमारे लोगों से,
क्योंकि हमको हमारे फिरकों में बांटा जाता है कि ये मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, इनके वालिद वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हमारे में ही एकता नहीं। अभी एक आमदार साहब ने, माजी आमदार साहब ने बोले कि हम सिर्फ 3-4% मस्जिदों में जाते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। हमारे मौलानाओं की हालत बहुत ख़राब है, फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है। मैंने जब मैं मिनिस्टर रहते हुए मुकेश अंबानी को नोटिस मैंने दिया, अगर आपको याद होगा, एटकालिया बिल्डिंग में, तो उसका नुकसान मुझे ये भरना पड़ा कि मैं इलेक्शन मुझे हराया गया सब लोगों ने मिलकर। मेरे विरोध में दलित खड़ा किए, मुस्लिम खड़ा किए और उन लोगों के माध्यम से, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ सिर्फ 20 से 25 हज़ार मुस्लिम। वेस्ट नागपुर जहाँ पहले देवेंद्र फडणवीस MLA थे, हुआ करते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं हुसैन दलवाई साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो मीटिंग मुंबई से शुरू की, आप नागपुर आइए, नागपुर में एक मीटिंग लीजिए, ऊना जाइए, ऊना में एक मीटिंग लीजिए, जितने कमिश्नरेट है औरंगाबाद, आपके औरंगाबाद में एक मीटिंग लीजिए, छोलापुर, जितने भी आपके कमिश्नरेट है कोल्हापुर, हर जगह जाके लोगों में एक जागरूकता लाने का काम कीजिए। मैं सॉरी, कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद में भी ये बात कहना चाहूँगा कि जितनी ताकत से कांग्रेस पार्टी ने मराठाओं की आवाज़ उठाई है, जितनी ताकत से ऑर्डिनेंस निकाल दिया, कॉन्शियस क्लियर कर दिया पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने, लेकिन उसके बाद में जो रास्ते पर उतरे हमारे बड़े नेता लोग, किसी का नाम नहीं लूंगा, इतनी ताकत से मुस्लिम आरक्षण के बारे में बोला नहीं गया। अगर मुस्लिम आरक्षण देना था तो जब हम लोग कैबिनेट में हम दोनों आवाज़ उठाते थे उसी समय ऑर्डिनेंस निकाल कर, जब हमारी मेजॉरिटी थी, जब ही कानून बन जाना चाहिए था। ये सच्चाई है इकबाल भाई, ये सच्चाई है। जब हमारी सरकार जाने वाली है, हम सबको मालूम है, अब हमारा रुख्सत का टाइम आ गया है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस में वहाँ बोलने वाले हम जैसे लोग हैं वहाँ पर, भले मिनिस्टर बाद में नहीं रहे, हुसैन दलवाई साहब को भी जबरदस्ती मुंबई से मंत्री से हटाकर मुंबई में MP बनाकर भेजा गया, क्योंकि वो मुसलमानों की बात वहाँ कैबिनेट में करते थे। ये बात सच्चाई है, और आप लोगों को मालूम है वो लोग कौन है जो हमारे को फिरकों में बांटने का काम कर रहे हैं, ये बोलकर कि भाई ये वो मस्जिद में नहीं जाते, ये वो मस्जिद में नहीं जाते, सिर्फ इतनी सी बात में हम लोग डिवाइड हो जाते हैं। और अंग्रेज लोग भी यही करते थे, हिंदुस्तान की आज़ादी के समय पर भी यही बातें सामने आती थी, और आज भी वही राजनीति हो रही है। मैं इनामदार साहब से एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी बात की है। हमारे लोग जब भी रोड पर आते हैं तो हम लोग जोश में काम करते हैं। पिछली बार जब बहुत बड़ा मोर्चा निकला था बम्बई में, तो हमने 2-3 पुलिस लेडीज पुलिस वालों के साथ में हमारे लोगों ने बदसलूकी किया, और उसको पेपर मीडिया तो हमारे खिलाफ़ में ही है, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया।